तो भाई अब आप आ चुके हो एक ऐसे जोन में जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड साइंस के साथ साथ कुछ मजेदार एंड सस्ते यूजफुल गैजेट्स आते हैं आपसे मिलने, एंड ये जोन है गैजेट जोन। तो वेलकम दोस्तों, सारे गैजेट्स की लिंक्स एंड डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह, तो शुरू कर लें। एंड आज का पहला गैजेट उनके लिए है जिनकी होने वाली है एंगेजमेंट। तो भैया डायमंड रिंग, गोल्ड रिंग छोड़ो, फिजेट रिंग पहनाओ मस्त और पैसे बचाओ और एक सेकंड में ब्रेकअप कराओ। वेल, ये है एक ऐसी रिंग जो एंगेजमेंट तो तुड़वा ही देगी बट उसके बाद वाली जो ब्रेकअप की टेंशन है उसको भी खत्म कर देगी, बिकॉज इट्स स्ट्रेस रिलीविंग फिजेट रिंग। इसे फिंगर में पहनकर स्पिन किया जा सकता है, स्लाइड किया जा सकता है, एंड एज यू नो ये चीज करने में काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है दोस्तों। ये सिल्वर फिनिश में आती है, मेटालिक है, स्टेनलेस है, एंड बात करें इसके प्राइस की तो वो रहेगा 200 रुपए से भी कम। अब देखो इस टाइम एलईडी टीवी का, वो भी सबसे छोटी वाली यानी 32 इंचेस, उसका प्राइस चल रहा है अराउंड 13,500 रुपीज। लेकिन इससे भी कम में आप ये प्रोजेक्टर ले सकते हो जिसमें 32 तो छोड़ो यार, 100-200 इंचेस तक की बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी, वो भी 4K सपोर्ट के साथ। साइज इसका रहता है एकदम पिद्दी सा, लेकिन पिक्चर क्वालिटी एकदम शार्प, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल परफेक्ट। इसे लगाकर आप वॉल्स पर, इवन रूफ पर, छत पर भी मूवी प्रोजेक्ट करके लेट कर भी देख सकते हो। ऑल्दो उसके लिए आपको इसका जो स्टैंड आता है वो अलग से लेना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी इसमें देख सकते हो आप, एंड आपके फेवरेट जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हो, Netflix, Amazon, कुछ भी देखते हो आप, सब कुछ चलेगा इसमें। अब जैसे कि मैंने बोला था, हर दूसरी तीसरी वीडियो में एक तगड़ी सुपर यूनिक वॉच दिखाऊंगा, सो अगेन आज की वॉच रही ये है आई ऑफोरस बाय सीगा डिजाइन, और इस तरह की वॉच को कहते हैं ऑटोमेटिक स्केलेटन वॉच, बिकॉज यू नो देख ही सकते हो आप कि कैसे इस वॉच के इंटीरियर्स, एक एक इंटीरियर हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं। ये वॉच ब्लैक कलर में आती है एंड सीरियसली बहुत ही क्लासी लगती है। एंड एक चीज और कि ये एक तरह के आउटफिट के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसे आप किसी भी तरह के गेटअप के साथ पहनोगे, फिर चाहे वो कैजुअल हो, फॉर्मल हो, सभी के ऊपर सूट करेगी ये। इसके अलावा ये ल्यूमिनस भी है, यानी ग्लो इन द डार्क का फीचर भी है इसमें। सो अगर आप स्मार्ट वॉचेस जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं उनसे हटकर कुछ तगड़ा एंड यूनिक ट्राई करना चाहते हो तो फिर ये वॉच बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। देखिए गैजेट्स जो हैं, चाहे सस्ते हों या महंगे, उनका पर्पस क्या होता है, उन्हें हम लेते क्यों हैं? ताकि वो हमारा या तो काम आसान करें या फिर पूरी तरह से वो काम कर ही दें। और अब ये गैजेट काम आसान बनाएगा नहीं बल्कि पूरा का पूरा काम खुद ही निपटा देगा। ये है एक विंडो क्लीनर रोबोट। आपके रूम में या पूरे घर में जहां कहीं भी ग्लास विंडोज लगी हो उन्हें आप इस रोबोट से क्लीन कर सकते हो। उसके लिए बस आपको इसमें वाटर फिल कर लेना है, केबल लगा देनी है आउटलेट में, फिर रोबोट को उठाकर लगा दो ग्लास विंडो पर, और रिमोट से ऑन करते ही ये धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से पूरी विंडो पर घूमते टहलते हुए मस्त उसे एकदम चमका देगा। एंड इसे देखकर ये मत सोचिएगा कि ये इतना स्लो क्यों है। भाई स्लो नहीं है बल्कि एक्चुअल में ये काफी डीपली क्लीनिंग करता है, सो वो जल्दी जल्दी तो हो नहीं सकती, तो बस इसी वजह से। लेकिन हाँ, ये महंगा इतना है कि भाई प्राइस देखकर ना आप खुद ही अभी जाकर विंडो साफ करने लगोगे। अब आप सोचोगे कि यार ये फिरंगी क्यों दिखा रहा हूँ मैं, बट आपको भी पता है गैजेट जोन पर कोई भी गैजेट ऐसे नॉर्मल तो नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अलग या अजीब तो होता ही है, भले ही वो दिखने में नॉर्मल लगे। तो वेल, ये मशरूम के जैसा दिखने वाला स्पिनर, जैसे ही आप स्पिन करोगे तो स्पिन करना स्टार्ट तो सीधी पोजिशन में करेगा, बट 2 सेकंड बाद ये इन्वर्टेड होकर स्पिन करने लग जाएगा, पलट जाएगा, मतलब वक्त और जज्बात सब बिल्कुल पलट देगा ये 1 सेकंड में, है ना चौंकाने वाली चीज। फिर से देखो एक बार। तो भाई ये हुआ एक कमाल का काइनेटिक डेस्क टॉय। एंड बात काइनेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड चली है, तो फिजिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट का, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सभी टॉपिक्स ने हमें बड़ा कंफ्यूज किया है स्कूल में। बट जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं भाई, बुरा मत मानना, बिकॉज ये वाला प्रिज्म स्पेशली आपके लिए ही है। एंड हाँ, ये एक नॉर्मल प्रिज्म ही है, नथिंग एल्स, बट इसमें आपको लाइट का डिस्पर्जन बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा, मतलब नॉर्मल व्हाइट लाइट को इससे आप विबग्योर कलर्स में स्प्लिट होते हुए एकदम क्लियरली देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा, इफ आप या आपका कोई फ्रेंड जिसका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, उसे आप ये गिफ्ट कर सकते हो। ये भी आपको सिर्फ 250 रुपए में मिल जाएगा, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। गेमिंग माउस, एर्गोनॉमिक माउस और जाने कितने डिफरेंट टाइप्स के माउस मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, बट आज का माउस उन सभी से 4 कदम आगे है भैया। ये है क्लिप माउस, जिसे आप फिंगर्स पर क्लिप करके लगा सकते हो या कह लो पहन सकते हो, और फिर इसे लगाने के बाद अब अपनी फिंगर से जैसे जैसे इशारे करोगे, जेस्चर्स करोगे, कर्सर भी उसी के हिसाब से मूव करेगा, वैसे ही ये माउस परफॉर्म करेगा। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, एंड सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही है कि आपको अलग से माउस पैड तक नहीं लेना पड़ेगा भाई, लिटरली जिस भी सर्फिस पर चाहे आप बस हाथ रख कर इस माउस का यूज कर पाओगे।
और गोदरेज वर्लपूल इन सब ने आज के टाइम पर एक से एक बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन्स निकाल दी हैं भाई। लेकिन एकदम से मुझे झटका तो तब लगा जब मुझे ये फोल्डेबल वॉशिंग मशीन दिखी। बट बिलीव मी यार, इसके फीचर्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये फोल्डेबल है तो इजीली इसे आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो। एक बार में 4-5 कपड़े तो उसमें धुले ही जा सकते हैं छोटे छोटे। पूरा मैकेनिज्म इसका एक बड़ी वॉशिंग मशीन जैसा ही होता है, बट काफी कम प्राइस में आती है और काफी कम साइज में भी। साइड में बटन्स वगैरह मौजूद रहती है जिनसे आप टाइमर वगैरह सेट कर सकते हो। एंड जहाँ बड़ी वॉशिंग मशीन्स मिलती हैं 15-20 हज़ार में, इसे आप सिर्फ 1500 रुपए में बाय कर सकते हो। और अब देख लेते हैं कुछ टूल्स एंड मल्टी टूल्स को। तो ये है स्नोफ्लेक मल्टी टूल। अमेजोन पर काफी पॉपुलर गैजेट रहा है ये एक टाइम पर, बिकॉज काफी सस्ता है एंड इसमें डेली यूज वाले कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स इंटीग्रेटेड ही मिल जाते हैं। शेप इसका ऑब्वियसली एक स्नोफ्लेक जैसा ही रहता है। मेनली इसमें स्क्रू ड्राइवर्स एंड एलंकीज रहती हैं दोस्तों, जिनसे डिफरेंट टाइप्स की स्क्रूज को लूज एंड टाइट किया जा सकता है। एंड ये फ्रीक्वेंटली काम आएगी आपके आपकी डेली लाइफ में। एंड अब आ जाते हैं इसके प्राइस पर। तो भाई ये भी काफी सस्ता है, सिर्फ 100 रुपए के आसपास। इसे भी आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से बाय कर सकते हो। चलो एक ऐसा मल्टी टूल दिखाता हूँ जिसमें टूल्स होते तो हैं लेकिन एक नाइफ में कंसील्ड रहते हैं, छिपे रहते हैं दोस्तों। ये नाइफ फोल्डेबल होती है, ऐसे ऐसे करके आप इसकी ब्लेड को फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हो। बाकी इसमें मौजूद टूल्स की बात करें तो भाई इसमें आपको मिलेंगे स्क्रू ड्राइवर, इमरजेंसी बेल्ट कटर और तो और एक छोटी सी फ्लैश लाइट भी रहती है इसमें। तो ना केवल इंडोर्स बल्कि आउटडोर्स भी आपके बहुत काम आ सकती है, खासकर इमरजेंसी सिचुएशंस में। और मुझे ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि ब्लेड कितनी ज्यादा शार्प होती है इसकी। ये आपको मिल जाएगी 300 रुपए से कम में। एंड आज के लास्ट टू गैजेट्स हैं बेसिकली आरसी गैजेट्स हैं, जिनमें से पहली है ये आरसी कार जो सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट मारना जानती है और कोई स्टंट आता ही नहीं है इसको, सिर्फ ड्रिफ्टिंग। जैसी ड्रिफ्ट हमने टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी में देखी थी कुछ वैसी लुक वाइज भी ये काफी आई कैचिंग एंड बेहद एग्रेसिव है। और इसे कोई आम टॉय कार मत समझ लेना, बिकॉज खुद बताओ कोई भी टॉय कार ऐसे परफेक्ट ड्रिफ्ट मार पाएगी क्या? एक बार इसकी ड्रिफ्टिंग देखो आप। अगर ये ना पता हो कि ये एक आरसी कार है तो लोग इसे किसी मूवी का ही सीन समझेंगे। तो जितने भी फास्ट एंड फ्यूरियस फैंस हैं या रेसिंग गेम्स वगैरह जिन्हें भी पसंद है, आई नो टॉयज से खेलने की एज तो निकल ही चुकी है, बट भाई एटलीस्ट इनको अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए तो लिया ही जा सकता है कि नहीं? लेकिन हाँ, ये वाली कार एक्चुअल में किड्स के खेलने के लिए ही है। बट मैंने पता इसे आज की वीडियो में क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज ऑफ इट्स पैकिंग। ये जो साइड में रखे कैंस देख रहे हो आप, ये कोल्ड ड्रिंक कैंस लग रहे हैं, बट एक्चुअल में दीज आर नॉट कोल्ड ड्रिंक कैंस, ये इन कार्स की पैकिंग है। और ये कार्स ठीक वैसी हैं जैसे हम बचपन में वो 10-20 रुपए वाली कार लेते थे, मेटल वाली, याद है आपको? उस टाइम वो बहुत पॉपुलर थी, लगभग वैसी ही है। ये साइज उतना ही है, बट हाँ अब क्योंकि भाई टाइम बदल गया है तो ये रिमोट कंट्रोल्ड हो गई है। लेकिन कुछ भी हो यार, सब साइड में उठाओ, मुझे इसकी पैकिंग सबसे ज्यादा मतलब सेटिस्फाइंग टाइप की लगी। सो दैट इज एग्जैक्टली वाई इसे भी मैंने कहा चलो आज दिखा दिया जाए, किसी छोटे बच्चे को गिफ्ट करने के लिए सही है ये। सो गाइज, अब है आपकी बारी वीडियो को लाइक करने की। तो अगर आपने इसे अभी तक लाइक नहीं किया है देन लाइक सब एंड शेयर एंड सेफ रहिए, करते रहिए एंजॉय। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।